नमस्ते, वेलकम टू हेरिटेज स्टोरीज एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। आई एम सरिता नायर और आप देख रहे हैं सीजन 4 एपिसोड 6 ऑफ इतिहास के पन्नों। और जैसे आपने गेस किया, मेनी ऑफ यू विद आर प्रोमो वीडियोस में वी शेयर क्लूज, आज की कहानी है मेरे शहर से मुंबई। या क्योंकि ये कहानी हम इतिहास की है तो हम इसे बॉम्बे भी बुला सकते हैं। सो द क्लूज दैट वी शेयर for our city but as follows. Our first clue was that this city was once known as Heptanesia, that is in Greek, it's cluster of seven islands, and as you all know, Bombay is a cluster of seven islands. Our second clue was that this city had caves dating back to the first century, right in the middle of the suburbs. Ji haan, Borivali National Park ya Sanjay Gandhi National Park ke andar hai Kanheri Caves. और ये केव्स हैं फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी। सो कैन यू इमेजिन द हेरिटेज राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी मुंबई। क्लू नंबर 3, इट वाज दैट दिस दरगाह वाज बिल्ट इन 1431 एंड एज मेनी ऑफ यू राइटली गेस्ट, दिस दरगाह इज द हाजी अली दरगाह। यस, इट्स दैट ओल्ड एंड इट्स वेरी वेरी क्लोज टू द सी, एंड टू अप्रोच इट यू एक्चुअली हैव, इट डिपेंड्स ऑन द टाइड for you to get into the dargah. The dargah has the tomb of Haji Ali Shah Bukhari, who was a Sufi saint and a wealthy merchant. So that's our city Mumbai, jahan se hai aaj ki kahani of an unsung hero. There are many people who were there during the independence era, the pre-independence era, who had a very well-settled life. They were well off, they were rich, educated, they had access to different countries, and there was no need for them to really take part in the freedom struggle, kyunki unki personal life mein isse kuch farak nahi padta. But there was a fire within many of such people who wanted to do something bigger for their country. Aur aise hi log jude the bahut sare hamare desh ke azadi ke liye. उनमें से एक की कहानी है आज इतिहास के पन्नों से पर, जहां पे आप सुनेंगे थ्रू शीतल सतपाल। शीतल सतपाल इज अ वॉइस आर्टिस्ट, अ डबिंग आर्टिस्ट एंड अ ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट एट आकाशवाणी। जितनी मधुर उनकी आवाज है उतनी मधुर वो खुद भी है। शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड गर्ल। उन्हें अच्छा लगता है किताबें पढ़ना और अलग अलग आवाजें देना किरदारों को कार्टून्स में। शी ऑल्सो लव्स टू टच द हार्ट ऑफ पीपल। वो चाहती हैं कि लोगों के दिल को छू लें अपनी आवाज से। और आज वो एक कहानी ले आई है आपके पास उनकी आवाज में, जो आपके दिल को जरूर छुएंगी। सो वेलकम टू इतिहास के पन्नों से शीतल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। दुनिया वालों देखो, यही है भारत का झंडा, इसका जन्म हो चुका है, यही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस झंडे को हाथ में लेकर आजादी से प्यार करने वाले दुनिया भर के लोगों से मैं अपील करती हूं कि वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन करें। विदेशी जमीन पर पहली बार भारतीय झंडा लहराने के बाद भारतीय क्रांति की माता ने यही ओजस्वी भाषण दिया था, जो आसानी से समझ में आए उसे कहानी कहते हैं, जो आसानी से समझ में ना आए उसे जिंदगी कहते हैं। नमस्ते, मैं शीतल सतपाल मुंबई से लेकर आई हूं ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी, माफ करना, एक वीरांगना के जिंदगी की कहानी। थैंक यू सरिता जी। वो कौन थी जिनके विचार अपने परिवार से तो ना मेल खाते थे, हाँ पर बचपन से ही उनके मन में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना थी। वो कौन थी जिन्होंने अपने जिंदगी के 33 साल विदेश में बिताने के बावजूद लड़ी थी आजादी की लड़ाई। वो कौन थी जिन्हें उनके सहयोगी
भारतीय क्रांति की माता मानते थे तो ब्रिटिश सरकार खतरनाक क्रांतिकारी कहते थे। वो कौन थी जिनके डर से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपने ही वतन भारत देश आने से रोक लगा दी थी, वो कौन थी? वो मैं थी। नमस्ते। इतिहास के पन्नों से आपको मिलने का जब मौका मिला तो सोचा क्यों ना अपने ही जिंदगी के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूं। साल 1902 से लेकर साल 1936 के बीच का वो दौर जहां अंग्रेज सरकार भारत पर गुलामी के शासन करने की जिद लगाए बैठी थी, तो भारतवासी उनके गुलामगिरी की बेड़िया तोड़ने की जिद। मेरा जन्म 24 सितंबर 1861 में बंबई, जी हाँ, जिसे आज आप मुंबई कहते हो, मुंबई के प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। सरोबाजी रामजी पटेल, जो मुंबई शहर के प्रसिद्ध व्यापारी थे, वही मेरे पिताजी थे। तो मेरी माताजी का नाम जिजाबाई था। नारी मुक्ति, स्त्री शिक्षा के लिए उस वक्त के पारसी परिवार काफी जागरूक थे। मेरा जीवन काफी आलीशान और शानो शौकत से गुजर रहा था। अलेक्जेंडर गर्ल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो उस वक्त का सर्वोत्तम स्कूल माना जाता था, वहां से मेरी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हुई। मैंने बचपन में काफी भाषाएं सीख ली थी। घर में मुझे प्यार से मुन्नी कहते थे। 9 भाई बहनों के बीच मेरा स्वभाव शुरू से ही अलग था। होगा क्यों ना, जो उन्हें भाता था वो मुझे नहीं, और जो मुझे भाता था वो उन्हें नहीं। अपने आलिशान घर के बाहर घट रही घटनाओं से मैं अनजान नहीं थी। मैं भारत देश की गुलामगिरी के शासन से जल्द मुक्त करने का सपना देख ही रही थी। और उसी दौरान साल 3 अगस्त 1885 में बंबई के काफी प्रतिष्ठित परिवार के पुत्र रुस्तमजी कामा, उनसे मेरा विवाह हुआ। वैसे तो रुस्तम जी पेशे से वकील थे। रुस्तम जी जैसे सुशिक्षित युवक की पत्नी होना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात थी, पर हम दोनों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। वो अपने संस्कृति को महान मानते थे और अंग्रेज सरकार के समर्थन में थे, तो मैं भारतीय संस्कृति को महान मानती थी और अंग्रेज सरकार के खिलाफ राष्ट्रवादी के लिए काम करती थी। हमारे इसी सोच की वजह से धीरे धीरे हमारे रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो गई और आगे चल के मनमुटाव बढ़ने लग गया। हालांकि शादी के बाद मैं सामाजिक कार्यों में लगी रहती थी, साथ ही साथ मैंने अपने आप को राष्ट्र कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित कर चुकी थी। उसी दौरान साल 1996 में मुंबई में प्लेग की महामारी फैलने लग गई। मैं पूरी तरह से प्लेग की मरीजों की सेवा में जुट गई। धीरे धीरे इस महामारी ने मुझे अपने चपेटे में ले लिया। हालांकि इलाज के बाद मैं ठीक हुई थी, लेकिन आराम करने के लिए और आगे के इलाज के लिए मुझे यूरोप जाने की सलाह दी गई और मैं यूरोप के लिए रवाना हो गई। साल 1906 में मैंने लंदन में रहना शुरू किया। उसी दौरान मेरी मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल और वीर सावरकर जी से हुई। दादा भाई नौरोजी के यहां बतौर सेक्रेटरी काम करना भी शुरू किया था मैंने। वही साल 1907 मेरे जीवन का वो पड़ाव जिसने मेरे जीवन को महत्व प्राप्त करने में मदद की, साथ ही साथ आजादी का सपना देखने के करीब लाके छोड़ दिया।
22 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में इंटरनेशनल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में आयोजित किया था। पूरा सभागृह लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मुझे आज भी ठीक से याद है। उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए हुए लोगों के पास अपने देश का झंडा था, पर भारत देश के लिए ब्रिटेन का झंडा था, जो मुझे कदापि मंजूर नहीं था और मुझे लगता है भारतवासियों को भी वो मंजूर नहीं होगा। अपनी पारंपरिक साड़ी पहने हुए मैं जब मंच पर पहुंची तो चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। तभी मैंने अपने साथ दामोदर सावरकर जी और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर बनाया हुआ झंडा लहराया और पूरी दुनिया का ध्यान भारत की समस्याओं की तरफ खींचा। पूरी सभा ने खड़ी होकर ध्वज के प्राप्ति सम्मान प्रकट किया और तालियां बजाई। तभी हमने संपूर्ण भारत स्वतंत्रता की मांग रखी। वैसे ये झंडा आज के झंडे से अलग था। इसमें हरी, पीली और लाल पट्टियां थी। हरी पट्टियों पर 8 कमल के फूल भारत के उस वक्त के 8 प्रांतों को दर्शाते थे, तो पीली पट्टी पर वंदे मातरम था और लाल पट्टी पर सूरज और चांद था। सूरज हिंदू धर्म तो चांद इस्लाम धर्म का प्रतीक था। ऐसा था वो अविस्मरणीय क्षण। उसके बाद मैंने वंदे मातरम नाम का क्रांतिकारक जर्नल छापना शुरू किया, जिसके मास्टर हेड पर उस झंडे की छवि छापी जाती थी। ब्रिटिश सरकार की मुझ पर पौनी नजर थी। लॉर्ड कर्जत की हत्या के बाद साल 1909 में पेरिस चली गई, जहां हमने होम रूल लीग की शुरुआत की। पहले विश्व युद्ध के दौरान मुझे भी हिरासत में लिया गया था। मेरे क्रांतिकारी गतिविधियों को देख ब्रिटिश सरकार ने अपने ही वतन भारत देश से आने के लिए मुझे रोक लगा दी। पर धीरे धीरे साल 1935 में अपनी राष्ट्रवादी गतियों को छोड़ने के शर्त पर मुझे मेरे ही वतन भारत देश में आने की इजाजत मिली। करीब 35 वर्षों के बाद मैं भारत वापस आई थी। अपने वतन, अपने जमीन को देखकर बुढ़ापे के उस धुंधली हुई मेरी आंखों में पानी भर आया था। मैं जब भारत से गई थी तब मैं एक युवती थी और जब मैं आज लौटी तो एक 70 वर्ष की वृद्धा के रूप में। धीरे धीरे साल 1936 में अपने बिखरते स्वास्थ्य के कारण मुझे अपने ही देश से वंदे मातरम कहते हुए हमेशा के लिए विदा लेना पड़ा। हाँ, वो मैं थी, मैडम भिकाजी कामा, मैडम कामा। दुनिया वालों देखो, यही है भारत का झंडा। इसका जन्म हो चुका है। यही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे सलाम करो। इस झंडे को हाथ में लेकर आजादी से प्यार करने वालों से मैं अपील करती हूं कि वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन करें। थैंक यू। थैंक यू शीतल फॉर शेयरिंग द स्टोरी ऑफ मैडम कामा जी, और ये कहानी हम तक इतनी स्वीटली पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम टू इतिहास के पन्नों से वंस अगेन। सो कैसे लगा आपको मैडम कामा की कहानी, यू नो द वे यू हैव प्रेजेंटेड? एंड बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है, समवन हु हैज हैड एवरीथिंग, जैसे हमने बात किया, एंड फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ काम करना है, और ना इंडिया में नहीं बाहर जाकर उन्होंने काफी हंगामा मचाया है, राइट? जी, जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो बहुत सारी चीजें, मतलब रोज एक
जब से मुझे ये डिसाइड किया था जब मैं ये करूंगी, तो रोज ना एक नई मैडम कामा मुझे मिल रही थी। मतलब मैं उनके बारे में स्वातंत्र वीर सावर की बात करके का वो पढ़ा पढ़ू, या फिर वो पढ़ा पढ़ू जब वो उन्हें बाहर जाने के लिए, एक मोमेंट पे ऐसा लगा था कि शायद ना उन्हें उसी चीज के लिए मतलब वो बॉर्न हुई थी। रोज एक नई कामा मुझे मिल रही थी, मतलब रोज एक नई मैडम मुझे मिल रही थी। और एंड तक ना अभी भी मुझे लगता है कि वो और भी बहुत सारी चीजें अगर वो ढूंढने जाओ तो मिल जाएगी, और वो मुझे रोज नई तरीके से इंस्पायर कर रही थी। कोशिश वही थी, और बहुत ज्यादा दड़पन आया था कि क्या होगा कैसे हुआ, जो अभी अभी आप लोगों ने फील किया कि मैडम कामा का रोल प्ले करना बहुत अलग। तो जैसे आपने कहा शी वॉज अ फर्स्ट वुमन टू होस्ट फ्लैग इन आउट ऑफ, हाँ और उन्होंने खुद ये फ्लैग बनाया था उनके साथियों के साथ। तो हमारे पास और भी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, हम शेयर करेंगे थ्रू फोटोग्राफ्स विद आर ऑडियंस। जी तो ये है मैडम कामा जी, है ना, हाँ और ये है वो फ्लैग जो उन्होंने वहां पे यस फहराया था कॉन्फ्रेंस में इन जर्मनी। एंड कुछ बताएंगे आप वो माहौल के बारे में, और जो उनके साथ ही थे जिन्होंने ये हेल्प किया उनको ये बनाने में। श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर जी ने मिलके, इन तीनों ने मिलके ये फ्लैग बनाया था, और ये पहले ही बन चुका था। मतलब उस वक्त बस वो लहरा गया था, एक एक जहां पे मतलब एक लाइन थी कि ये पहले ही बन गया था। इनफैक्ट ऐसा बोला भी जाता है, मतलब ये सच नहीं है कि उन्होंने अपनी साड़ी बिड़ी पहन साड़ी का पल्लू फाड़ के लहराया था, जो सही नहीं था। एक एक मुझे उन ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि वो गलत था, उन्होंने ये पहले ही बनाया हुआ था जो उस वक्त लहराया गया था, ऐसा। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हिस्ट्री में बहुत बार बहुत सारे नरेटिव्स होते हैं और हाँ सच्चाई तक जाने के लिए हमें काफी रिसर्च करना पड़ता है। और जैसे मैंने भी पढ़ा कि ये पहले ऐसी फ्लैग कलकत्ता में होइस्ट की गई थी, और फिर सेकेंड टाइम इन्होंने यहाँ पे जर्मनी में होइस्ट की है। तो ये है वो फ्लैग जो उन्होंने बनाई, और आप उनको चेहरा भी देखेंगे, इट्स सो पावरफुल, उनकी आंखें मतलब बहुत ही तीखी। ये भी पढ़ा है कि काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थी इनकी। तो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड ये उनका स्कूल पढ़ी हाँ थी एलेक्सेंड्रो जी। और ये है एक पिक्चर फ्रॉम अ क्लासरूम ऑफ दोस टाइम्स। तो ऐसी हुआ करती थी उनकी क्लासरूम्स वहां पे। हाँ जी अब फ्लैग के बारे में कुछ बताएंगे, आई मीन देयर आर लोटस ऑन इट और ये बंच। जो ग्रीन ग्रीन कलर के, अब मैं आठ जो फ्लावर है वो उस वक्त आठ जो राज्य बने बनाए थे उसका, उसके लिए उन्होंने वो आठ फ्लावर रखे थे। वंदे मातरम तो आप सबको पता ही है, और ये सूरज और चांद है, ये सूरज है वो हिंदू और चांद है वो मुस्लिम धर्म के प्रतीक में बनाया गया था। तो ये ऐसे उस वक्त का फ्लैग था। ये उस वक्त क्रांतिकारी जब भी ऐसे ये करते थे तभी ऐसे अनौपचारिक, ऐसा वहां पे स्पेसिफिक वर्ड किया मतलब बताया गया है कि ये फाइनल फ्लैग नहीं था, अभी जो है वही है, पर ये ऐसे अनौपचारिक फ्लैग बनाए जाते थे। बट ये इसको इसलिए मतलब ये बिकॉज विदेश में पहली बार किसी ने लहराया था। हाँ जी, और ये वंदे मातरम बोलते हैं क्योंकि इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि वंदे मातरम वॉज बैंड, तो वंदे मातरम के नाम से लिखा गया था, है ना, हाँ स्टोरी बिहाइंड इट। जी तो एक स्टैंप भी निकाला गया था उनके नाम पे। नाम पे जी तो ये है तलवार, विच इज तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी रेड अबाउट, है ना शीतल, इज दैट उन्होंने काफी रेवोल्यूशनरी मटेरियल अपने मैगजीन्स के थ्रू लिखी थी जो लोगों को काफी प्रोवोक करती थी टू फाइट अगेंस्ट फ्रीडम। और उनमें से एक था वंदे मातरम, और दूसरी है ये तलवार जो यू नो इट वॉज तलवार एक्चुअली वॉज इन वंदे मातरम वॉज फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। और ये एक उनके कलीग जो थे वो एक्सपायर होने के बाद उन्होंने ये पर्टिकुलर तलवार भी रिलीज की थी।
और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने ये भी सुनी शीतल की, ये जो पेपर्स हैं वो स्मगल किया जाता था इंडिया के अंदर थ्रू द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ पॉन्डिचेरी, क्योंकि वो मटेरियल्स आना अलाउड नहीं था जो इंडिया में अनरेस्ट क्रिएट करे. सो दैट वाज, और उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ था. तो मैडम मैडम जी जो है वो स्मगलिंग भी करती थी और हाँ, न्यूज़पेपर. उनसे इसीलिए उनसे अंग्रेज सरकार डरती थी और उन्हें यहाँ पे आने के लिए मना करने के का रीजन भी यही था कि वो आएगी तो और ज्यादा क्रांतिकारी वो बाहर तो उनको बाहर ही रखे, पर बाहर ही रखती रखे, पर ताकि बाहर रहने के बावजूद भी वो अपने क्रांतिकारी विचार इस तरीके से फैलाती थी ना कि मतलब वो वहां पे भी उनके लिए अंग्रेज सरकार के लिए सरदर्द बन गई थी, ऐसा था मतलब वो. सरदर्द हो तो ऐसा हो, है ना. हाँ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, ये एक बहुत के नाम इंटरेस्टिंग, पे ये दिया गया था. ये 1997 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया था ये एक पेट्रोल वेसल जो भिखाजी कामा के नाम पे है जी. और मुंबई में या बॉम्बे में एक रोड भी है फ्रॉम मंत्रालय जस्ट बिफोर मरीन ड्राइव, एंड दिस इज द रोड कॉल मैडम कामा रोड. तो ये जो आपने स्पीच कही थी स्टार्टिंग में भी, दैट एंड दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आई अपील टू ऑल जेंटलमैन टू स्टैंड एंड सल्यूट द फ्लैग. तो कहा जाता है कि उनकी आवाज और उनकी कहने की जो स्टाइल है उसमें ही इतना पैशन टुवर्ड्स द कंट्री था कि इट वॉज. तो आपने जो पढ़ा उसके बारे में भी कुछ शेयर करिए, जो स्पीच आपने भी दी स्टार्टिंग में. हाँ, ये जो स्पीच थी ना, ये वही जो मेन पार्ट था उनके लाइफ का, जहाँ पे जर्मनी में वो स्टुटगार्ट शहर में जब ये कॉन्फ्रेंस पे, तो यही स्पीच उन्होंने उस वक्त दिया था जो ये हिंदी में है. तो उसका ही एक लाइन वहां पे है. और ये भी कहा जाता है कि वो दूसरे दूसरे कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाके इंडिया के लिए बात करती थी हाँ और ब्रिटिश के अगेंस्ट बात करती थी. तो ये दो स्पीच के कुछ पार्ट्स हमें मिले हैं जो उन्होंने इजिप्ट में भी कही हैं. तो आई जस्ट रीड इट आउट. बिहोल्ड द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज बॉर्न. इट हैज बीन मेड सेक्रेड बाय द ब्लड ऑफ यंग इंडियंस who sacrificed their lives in its honor. In the name of this flag, I appeal to lovers of freedom all over the world to support this struggle. वो अलग-अलग कंट्रीज में जाके लोगों को सपोर्ट करने के लिए कहती थी. Where is the other half of Egypt? I see only men who represent half the country. Where are the mothers? Where are the sisters? You must not forget that the hands that rock cradles also built persons. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि बात है कि उन्होंने औरतों को भी काफी इंस्पायर किया एग्जैक्टली और अलग अलग कंट्रीज में जाके पूछा कि यहाँ पे क्यों हुआ है, देयर ओनली मेन एंड वेमेन आर नॉट देयर. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी. और हम जैसे आपने कहा जितना हम उनको बारे में पढ़े और रोज एक नई मैडम कामा आपको मिलेगी, ऐसा जितना मतलब इन दिनों मैंने उनको जानने की कोशिश की. और कुछ आता है आपके मन में जो आपने एक्सपीरियंस या सुना. एक एक किस्सा, मतलब मुझे वो ठीक से याद नहीं, बट पढ़ने में आया था कि जर्मन के या फिर किसी किसी देश के पेपर में उनका फोटो छपा था जो अंग्रेजों ने फाड़ा था. तो वो उन्होंने वो रिएक्ट ऐसा किया था कि इट्स ओके ना, मैं कोई बड़ी क्वीन नहीं हूं जो आप मेरा फोटो बीटो छापे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब इतना सब कुछ होने के बाद शी वाज लाइक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट काइंड ऑफ. तो वो उनके नेचर का एक पार्ट सामने आया था. और मतलब और एक वहां पे एक लाइन स्पेसिफिकली लिखी गई थी कि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं, या फिर यहाँ पर उनमें वो एटीट्यूड नहीं था. मतलब वो अपने जब घर में थे तो वो अपने ससुर के प्रति उनका एक मतलब जो रहना चाहिए, तो वो नेचर भी था. मतलब वो एक बोलते ना सर्व संपन्न वुमन की तरह थी. एक साइड वो ये भी थे, एक साइड वो भी थी. मैंने रोज एक नई, मैंने कहा ना, रोज नई मैडम कामा से मिलती थी, मुलाकात होती थी, कि वेरी ऐसा लगता था कि अरे ये खत्म हुआ, अब जाके क्या करेगी, अब जाके क्या करेगी, ऐसा. इंटरेस्टिंग लाइफ उनकी. तो हाँ उनकी थी. उसके साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे साथ जूम में और भी लोग जुड़े हैं. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन. प्लीज फील फ्री टू स्विच ऑन योर वीडियोस एंड कम एंड शेयर योर थॉट्स अबाउट दिस स्टोरी. हाय श्री.
You're on mute. Thank you. Well, first and foremost, your voice was amazing. And actually, when Sarita shared the promo of the show itself, I was in awe. And yeah, I stayed in Mumbai for a brief time. And I was aware of this road, Bikaji Kam. You know, all the freedom fighters do get a road. So Bikaji Kam, our road is so familiar. I never knew this story behind this lady. It was not there in our history books. And thanks to Sarita again that you... I was wondering what Mumbai mein kaun sa freedom fighter hai. You know, when the city was Mumbai with the hints and all that, I was wondering who will it be and all that. Aur apni kahani shuru ki aisa lag raha tha aur jaane, the way you are telling, no, aur kya karegi, aur kya karegi. Wishing you will go on and it will be a bigger, much more bigger story about it. Isn't so much to her. And yes, Sarita, when you were reading that slide, the hand that rocked the cradle, that is an awesome line as always. Beautiful line, and hats off to her. It's not only our Indian ladies, but she didn't belong to the Indian origin, but still that flag also is so beautiful, that green and orange and red. Awesome, that motifs and all that. Hats off to her, and your narration is awesome, Sheetal. Thank you. Thank you. So, Madam, Kamaji was born into a Parsi family in India. And, you know, at that time, I believe the community, you know, was quite forward as well. Yeah. So that's one of the reasons she was educated and traveled all over the world. So we have others also in the room. If Chetna, Pragun, if you want to say something, Roshan, please feel free to share even through your voice. Hi Sarita, hi Sheetal. It was really very nice listening to you, Sheetal. And sahi mein matlab, I'm surprised na ki Bikaji Kama, this place, Bikaji Kama place is also in Delhi. And now I'm surprised ki we never thought ki, okay, what she has done. Matlab, unfurling the flag in Germany and then doing all these things. They are so inspirational, sach mein. Matlab, now I'm like, ki, okay, us jagah se kitni baar guzre honge, par humne kabhi nahi socha what this woman has done for our freedom struggle. No doubt she is known as the mother of freedom struggle. And Sheetal, it was khub mast zhala. Really nice. And Delhi mein metro station bhi hai, Pragun? I just... Yes, that's what... Matlab, abhi main sun rahi thi and I just googled and I was like, okay, hum naam sunte aaye and I was really not aware. Matlab, kabhi socha hi nahi ki unke baare mein jaane. So, really lovely. Matlab, thanks ki you bought this thing and now I'm like going to read more about her today. And she said, as she said na, ki roz ek nahi Madam Kama se mulaqat hui. No wonder, these ladies are wonderful. Matlab, they have done so much ki hum wo ho jate hain in awe ki, okay, wow, achha, ye bhi kiya hai, wo bhi kiya hai. That is something wonderful about these women. And it's so inspiring to take a small page unse aur hamari zindagi mein, you know, to be inspired to live life differently. True. So thank you for joining in, Pragun, today. And thank you, Sarita. Yeah, thank you all. Or I think with that, Sheetal, hum apne Facebook audience se vida le. So, dekhte rahiye itihas ke pannon se par. You are going to listen to a new story every week live on Friday, 7 p.m. only on the HSPA Facebook page. So, do watch, share, like, comment, and do keep writing in. It's wonderful to read your comments about the stories that we have had so far. Aur Sheetal, once more, thank you so much. Aap aaye yahan pe. Thank you, Shri, for support as always. And thank you everyone for joining in today. Wish you a very good evening.